दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी तो के लिए जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं दिल्ली को जाना इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप

कहां पर स्टैंड कर रहे हो कितना प्रिपरेशन की आपको अभी रिक्वायरमेंट है कि सब कुछ आपको पता चलेगा इस एक मॉक टेस्ट के अंदर तो जितने लोग यहां पर हैं सबसे पहले मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर है सब लोग एक बार बता दीजिए एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपर्ली टू यू ऑल सब कुछ एकदम बढ़िया भला चंगा चले आगे चलो तो सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से जाओ जरा लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो ठीक सीएचएसएल का एग्जाम है तो चिंता क्या करना भाई हम है ना और हमने पढ़ाया है और हमने पढ़ाया है तो डरने की कोई बात नहीं है इंग्लिश में बाकी सब्जेक्ट में भी पढ़ाई तो आपने करी ही होगी ठीक जब पढ़ाई करी है तो डर दर... थोड़ा बहुत डरो यार डरोगे नहीं तो यार क्या फीलिंग आएगी एग्जाम की थोड़ा बहुत डरो इट्स गुड लेकिन इतना भी नहीं कि आपके एग्जाम पे फर्क पड़े है ना डरना भी बढ़िया है डरना भी जरूरी है लेकिन डर के आगे जीत है आपको पीछे दिख रहा है नाम टेलीग्राम ग्रुप है ये मेरा जाइए लिखिए इसको अनन्या माम अंडर स्कोर टेक्स टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप मिल जाएगा जल्दी से जाके इसको ज्वाइन कर लो मेरे सारे पीडीएफ के आपको यहीं पर मिलते हैं डिस्कशन एंड डाउट सॉल्विंग के लिए ग्रुप बना रखा है आप लोग अपनी हो मुझसे इंटरेक्ट भी आप डायरेक्टली इसी ग्रुप के थ्रू कर सकते हो ठीक है दूसरी जरूरी बात आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पे कि मेरी मास्टर क्लास होती है शाम को साढ़े चार बजे हर दिन टेक्स्ट बुक के ऊपर और ये मास्टर क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है बिल्कुल फ्री है ये मास्टर क्लास ठीक है क्लियर हुआ ये चीज और और तो और फायदा ये है कि इस मास्टर क्लास में जो टॉप करता है ना उसको मिलता है हमारी तरफ से एक साल की एसएससी की कोचिंग बिल्कुल फ्री हां जी बिल्कुल मुफ्त मिलती है एक साल की एसएससी की कोचिंग उसको ठीक है तो दोस्तों दोस्तों क्या करना है डरना नहीं है सिर्फ यहां पे लक के मॉक टेस्ट देना है चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है अब इधर उधर की बातें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताओ हमको द फर्स्ट क्वेश्चन इज हर मुझसे पढ़ा है तो समझ लेना कि कुछ भी आपको डरने की यहां पे जरूरत है ही नहीं चलिए साइलेंट किलर आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स सवाल आ चुका है मुझे करेक्शन बताओ एबीसीडी मुझे नहीं जानना सीधे सीधे करेक्शन बताइए सारे लोग शादाब ने करेक्शन बता दिया है यूट्यूबर ऋषि ने बता दिया है करेक्शन नेहा दीप चौधरी मिस समृद्धि आरती सुशील अमन संगम वेरी गुड अब यहां पर आंसर आना शुरू हुए हैं ये हुई ना बात नाउन में मैंने आपको ये रूल कराया था कि जब आपके दो सेम नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ते हैं नाउन प्रेपोजिशन नाउन और दोनों नाउन सेम है तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं तो ही गिव्स मी लिस्ट आफ्टर लिस्ट नहीं होगा लिस्ट आफ्टर लिस्ट होना चाहिए वॉट इट शुड बी इट शुड बी लिस्ट आफ्टर लिस्ट इट शुड बी लिस्ट आफ्टर लिस्ट लिस्ट After, list. Singular में होना चाहिए ये नाउन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बताओ मुझे कितने लोगों को यह चीज समझ में आई इज इट क्लियर टू एवरी वन हा एकदम चकाचक चक, क्लियर आगे चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है इफ शी है तो पूरा शो देख लेती कौन इसका आंसर बताएगा Nancy, आपने थोड़ा देर में आंसर दिया होगा हो सकता है ठीक है बताइए भाई सभी लोग किस बात की देरी भाई फटाफट से आंसर देना शुरू करो इफ शी द होल शो इसको देखने से पता चलता है कि कंडीशनल सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस है कौन सा पांच मिनट पहले आई होती तो पूरा शो देख लेती टाइप थ्री और टाइप थ्री में क्या होता है वुड है टाइप थ्री में वुड हैव वी थ्री का स्ट्रक्चर बनता है तो यहां पे क्या हो जाएगा शी वुड हैव हैव सीन वुड का स्ट्रक्चर बनता है किसी को कोई दिक्कत परेशानी डाउट तो हमें बताए हम सारे डाउट्स यहां पर क्लियर कर देंगे हमको बताओ भाई किसी को कोई डाउट चलू आगे वेरी गुड वेरी वेरी गुड चलो भाई एक बार सारे लोग यार यहाँ पे जितने लोगों सब लोग जाके सेशन के लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए भाई आपकी अटेंडेंस भी माफ हो जाए जिससे अगला सवाल देखो नो सूनर डिड आई रीच देर वेन द रेन इन मेकिंग बताओ भाई सब लोग टाइप थ्री कंडीशनल है मेरे दोस्त यहाँ पे जिनको कंडीशनल नहीं आते उनको क्या करना है यूट्यूब पे जाइए अनन्या मैम कंडीशनल सेंटेंसेस सर्च करो मेरा कंडीशनल सेंटेंसेस आपको मिल जाएगा यहीं पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है पूरा सेशन देखो कंडीशनल सेंटेंसेस एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं नो no सूनर का पेयर बनता है, दान से. No और दान. है वो मियाँ बीबी है जो साथ में आते हैं ठीक नो no सूनर दान क्या है पेयर में आते हैं हमेशा नो सूनर वेन की जगह दान हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर किसी को डाउट किसी को कोई भी डाउट शक आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए अगला सवाल आपके सामने सामनेफुल दान जल्दी जल्दी बताओ सारे लोग क्या हो जाएगा इसमें आंसर अपने अंदर का एनर्जी लेवल भाई कम मत होने दो एकदम फटाफट से आंसर दो सारे लोग क्या हो जाएगा इसमें कुछ लोग मी बता रहे हैं कुछ लोग आई बता रहे हैं तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा रखना कि जब कंपैरिजन होता है ना वो हमेशा सेम केसेस में होता है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से का ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव का ये जो शी है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है ना जब ये सब्जेक्टिव केस है तो कंपैरिजन भी इसका सब्जेक्टिव केस से ही होगा क्या आना चाहिए लास्ट में इनमें से कंपेरिटि इनमें से सब्जेक्टिव केस सिर्फ और सिर्फ आई है आंसर हो जाएगा आई ऑप्शन नंबर फोर शी इज मोर चीज किसको किसको समझ में आए? किसको किसको ये चीज समझ में आई मुझे बताइए फटाफट से इज इट क्लियर एवरीबॉडी ठीक मी नहीं होगा क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव है यहां पे। शी सब्जेक्टिव केस है कंपेरिजन इसका सब्जेक्टिव केस से ही पॉसिबल है ठीक है ना चलो अगला सवाल देखे कौन देगा वन ऑफ द डैश टू रैशनलाइज बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है देखें किसको याद है ये वाला कॉन्सेप्ट बताइए सारे लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सारे कॉन्सेप्ट सारे टाइमिंग्स आपको पता चल जाएंगे मेरी क्लासेस के बताओ भाई आंसर सब लोग क्या हो जाएगा हा क्या लग रहा है भाई आंसर देखो दरदरा हमने आपको क्या सिखाया है पहले तो हमको ये बताओ हमने आपको सिखाया है बिल्कुल सही जवाब कि वन ऑफ के बाद जो नाउन लगती है वो हमेशा प्लूरल लगती है अब जरा ऑप्शन देखो यहां पे वोकैबलरी का कोई सेंस नहीं है ऑप्शन देखो इन सारी नाउन में से सिर्फ एक है जो प्लूरल है और वो है ऑब्जेक्शन ये प्लूरल है और इसके अलावा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता बताओ मुझे ऑब्जेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्शंस क्लियर सबको अगर जिसको जिसको ये क्वेश्चन समझ में आया है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नीचे हुए लाइक बटन अभी तक क्लिक नहीं किया है तो जाके झट से क्लिक कर दो और फिर अगला आंसर बताओ शी नॉट टेल लाइज डोंट शी हाँ क्या होना चाहिए इसमें बताइए जल्दी जल्दी से शी डज नॉट टेल लाइज डोंट शी क्या लग रहा है आंसर टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाला है मैंने, शायद आप लोग मिस कर, मिस कर कर दिया है। आप में से कहीं किसी ने गलत टेलीग्राम तो नहीं ज्वाइन कर लिया है गाइस। के नाम से मेरा एक ही टेलीग्राम ग्रुप है ठीक है ना पर्सनल टेलीग्राम हो सकता है मेरा लेकिन टेस्ट बुक के नाम से मेरा एक ही टेलीग्राम ग्रुप है याद रखेगा ठीक है ना चलो शी डज नॉट टेल लाइज कॉमा डोंट शी अब यहां ध्यान से देखो डज नॉट लिखा है मेन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है डज नॉट तो यहां पे थोड़ी ना नेगेटिव आना चाहिए अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो आपका स्टेटमेंट uh, नेगेटिव होना चाहिए स्टेटमेंट नेगेटिव है क्वेश्चन टैग टू बी पॉजिटिव और शी के लिए डज लगेगा ना ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर डज शी क्या होना चाहिए डज शी बिल्कुल सही है किसी को कोई परेशानी इसमें आंसर तो मुझे बिल्कुल सही दिख रहे हैं शाबाश वेरी गुड ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बताओ जरा वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर डूइंग रियली वेल ये कॉन्सेप्ट एग्जामिनर को बहुत पसंद है वो बहुत पूछता है ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए जरा आप में से किसको किसको याद है ये लेट्स सी हम देखना चाहेंगे किसको किसको याद है जल्दी जल्दी बताओ सब ध्यान से देखो जरा आंसर और मुझे बताओ सही जवाब चलिए वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर तो इज डूइंग आना चाहिए क्या आना चाहिए इज डूइंग आएगा किसी को कोई शक डाउट ठीक अगला सवाल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ओ तेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ क्लोज टेस्ट तो so, अगला सवाल है यहाँ पे क्लोज टेस्ट कौन-कौन तैयार है इस क्लोज टेस्ट के लिए बताओ क्लोज टेस्ट में पांच नंबर को बल्क में सही करने की जो तरीका है जो ट्रिक है वो आपको क्लोज टेस्ट सिखाता है समझ लीजिए 1/5 जो आपका पेपर का हिस्सा है वो क्लोज टेस्ट ही है समझे है 1 आपका प्रिपेयर है अगर आपका क्लोज टेस्ट प्रिपेयर है 25 में से सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन तैयार करना है इफ यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ क्लोज टेस्ट तो चलो ठान दीजिए कि पांच में से पांच लेकर आने हैं इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने आंसर बताओ मुझे सब लोग जिनका एग्जाम है एकदम रिलैक्स होके जाना पढ़ा है मेरे साथ रेगुलर मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता है कुछ उससे बाहर नहीं आना है ठीक चलो बताओ आइए मेरे साथ सॉल्व करिए कोई दिक्कत नहीं होगी आओ पहले आंसर बताओ फिर मैं आपको बताती हूं कैसे होगा सब लोग ईस्टर इज अ क्रिश्चियन फेस्टिवल विच मार्क्स द डैश ऑफ जीजस क्राइस्ट आपको इसमें थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए कि ईस्टर सेलिब्रेट क्यों किया जाता है आपको पता है ईस्टर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है जो ईस्टर फेस्टिवल होता है क्रिश्चनों का जिस दिन जीसस क्राइस्ट दोबारा से जिंदा हो गए थे ना आपको पता है जीसस क्राइस्ट को किस तरीके से से गया था फिर वो दोबारा जिंदा हो गए थे तो जिस दिन जीसस क्राइस्ट जिंदा हुए थे उस दिन को ईस्टर मनाया जाता है और यहाँ पे जो वर्ड है दैट वर्ड हैज टू बी नो डेथ को नहीं मनाया जाता दोस्तों डेथ को सेलिब्रेट थोड़ी ना किया जाता है पागल हो क्या हाँ किसी की डेथ को आप फेस्टिवल बना दोगे नहीं भैया ऐसा नहीं करो ठीक है ना जिस दिन जीसस क्राइस्ट दोबारा जिंदा हुए थे उनका रिजरेक्शन हुआ था रिजरेक्शन का मतलब क्या होता है टू ब्रिंग बैक टू लाइफ ब्रिंग बैक टू लाइफ रिजरेक्शन इज द राइट आंसर समझ में आया ठीक है वो कैबलरी बेस्ड है लेकिन यहां पे चीजें आपको पता होनी चाहिए थी कि ईस्टर सेलिब्रेट क्यों किया जाता है ठीक है मैंने आपको बताया है आपकी जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज मतलब जनरली नहीं लगती है कॉमन सेंस ग्रामर और वो कैबलरी तीनों का यूज होता है हमारे क्लोज टेस्ट में ठीक है अब देखो ब्लैंक नंबर टू बताना क्या हो जाएगा सब लोग बताइए कौन देगा आंसर NDA के लिए भी आप ले सकते हो बिल्कुल सारे के सारे डिफेंस और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए आप लिए सेशन आराम से ले सकते हो लोगों का कहना है, बिल्कुल सही है. सोचो, जब जीजस दुबारा इस दुनिया में आए थे तो उनके लिए एक जीत थी है, एक ट्रियुम्फ था उनके लिए है ना जब दोबारा वापस आ गए हैं लाइफ में तो ये क्रिश्चियंस के लिए एक जीत है एक विक्ट्री है ऑप्शन है, नंबर फोर क्लियर? अगला देखिए। ब्लैंक नंबर थ्री में क्या आएगा जरा बताओ सब लोग डिफीट वाले लोग थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दो जब क्रिश्चियंस के लिए जीसस क्राइस्ट वापस जिंदा हो जा रहे हैं तो ईस्टर उनके लिए हार का दिन है कैसी बातें करते हो अब इतने छोटे तो नहीं हो कि मैं इतना आपको कॉमन सेंस दू बोला ना मैंने कॉमन सेंस भी चाहिए होता है मैं आपको ग्रामर सिखा सकती हूँ वैकैबरी सिखा सकती हूँ लेकिन मैं आपको कॉमन सेंस कभी नहीं सिखा सकती हूँ क्योंकि वो इंसान के अंदर होता है ऑलरेडी है ना वो कोई किसी को कॉमन सेंस कभी दे नहीं सकता सिखा नहीं सकता ठीक है क्या आंसर हो जाएगा इम्पॉर्टेंट इज एप्सोल्यूटली राइट पढ़िए जरा आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ ईयर ईस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है साल का है ना जरूरी टाइम होता है इंपॉर्टेंट टाइम होता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर फोर करेंट एंशियंट मॉडर्न यंग कौन इसका आंसर बताएगा रावण की डेथ को मनाया जाता है फेस्टिवल रावण तो विलेन था ना जीसस क्राइस्ट थोड़ी ना विलन थे चलिए बताइए आंसर करेंट एंशियंट मॉडर्न या फिर यंग व्हाट्स द राइट आंसर जल्दी से माता प्रसाद आपकी फिर रीडिंग स्किल्स कमजोर है अपनी रीडिंग स्किल्स पे भी आपको फिर वर्क करना है मेरी सुबह वाली क्लास में आया करो ना नौ से दस वहां पे जब मैं आपको द हिंदू एक्सप्लेन करती हूँ तो उससे आप क्या सीखते हो आप यही सीखते हो कि इंग्लिश को हिंदी में कैसे समझें एंशियंट इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है गो बैक टू एंशियंट पेगन ट्रेडिशन पुराने ट्रेडिशन पे है ना कुछ सिंबल्स होते हैं जो क्या बताते हैं पुराने ट्रेडिशंस पे जाके उसको चीजों को सेलिब्रेट करते हैं ठीक है ना एंशियन ट्रेडिशन ऑप्शन नंबर ठीक है चलो अगला बताइएगा ब्लैंक नंबर फोर फाइव आखिरी ब्लैंक है ब्लैंक नंबर फाइव में क्या भरोगे जल्दी से सब लोग आंसर दीजिए जरा फटाफट से लेट्स सी जल्दी जल्दी गाइस फटाफट से लेट्स सी क्या हो जाएगा इनफर्टिलिटी स्टेरिलिटी Adidity, fertility. पहली चीज चीज। और 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 इन दोनों का है है तो आंसर तो होगा ही 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 नहीं पहली यहां पे पे देखकर लग रहा है कि चाहिए, चाहिए। ऐसा इसलिए क्या हो जाएगा फर्टिलिटी बिल्कुल सही है फर्टिलिटी ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब तो अब मुझे बताइए आउट ऑफ फाइव आपका स्कोर क्या है यहाँ पे सब लोग मुझे फटाफट से बताइए व्हाट्स योर स्कोर आउट ऑफ फाइव ऑन एवरीवन जल्दी से स्कोर बताइए तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी मर्जी से है ना अपनी मर्जी से देखूं कौन इसका आंसर देता है लेट्स सी र अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ब्रिलियंट अंडरलाइन वर्ड क्या है साफ साफ पता चल रहा है यहां पे ब्रिलियंट इज अंडरलाइन वर्ड बताइए आंसर फटाफट से और एक बार मैं देख रही हूं जितने लोग यहाँ पे सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है किसका वेट कर रहे हो यार सेशन को जाओ और लाइक कर दो पहले तो यू गाइस आर 600 प्लस और 300 लाइक है यहां पे आधे लोगों को लग रहा है सेशन अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा है क्या हा अच्छा लग रहा है तो भाई जाके लाइक कर दीजिए चलो यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ब्रिलियंट का बताइए जरा का मतलब होता है क्लेवर जिसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है वही तो ब्रिलियंट होता है और वही तो एस्टिट्यूट भी होता है क्लेवर पर्सन को एस्टिट्यूट कहते हैं आर्डुअस किसको कहते हैं पता है हु इज आडुअस आर्डुअस होता है समझ लीजिए जो किसी का पेशेंस चेक करे कोई ऐसी चीज है तो वो आडुअस है वंडरफुल का मतलब बहुत हसीन खूबसूरत बढ़िया और इंटीग्रल का मतलब क्या होता है Essential, जरूरी। क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर ठीक अगला क्वेश्चन देखिए जरा आई एम्पल क्या बताना है इसका जरा देखो और बताओ झट से और एक बार कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को लिंक भी दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जितने लोगों ने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है जरूर से कर लीजिएगा सारी इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पर ही डालती हूँ तो एक बार कॉमेंट सेक्शन चेक करिए ब्लू कलर से मेरा नाम और नाम के साथ अटैच लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए प्लस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी क्योंकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन कैसे आपको मिलेंगे मेरे तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे लेकिन बाकी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको इस चैनल ही सेंड करेगा जो सब्सक्राइब करने से होगा चलो प्लेन टी इज द राइट आंसर ध्यान से देखो एम्पल का मतलब है काफी अमाउंट में इनमें से क्या हो जाएगा प्लेंटी राइट आंसर इज प्लेंटी प्लेंटी का भी मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में ठीक मिनिमल का मतलब है बहुत ही कम मिनिमम से भी मिनिमम जितना कम संभव है कम से कम स्मिजन का मतलब क्या होता है बहुत ही कम अमाउंट श्रेड का मतलब क्या होता है बहुत ही छोटा सा तिनका इस श्रेड ठीक आंसर क्या हो गया यहाँ पे प्लेंटी ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर ठीक वेरी गुड अगला सवाल है आपके सामने आंसर बताइए न्यू बुक्स आर डिस्प्लेड इन अ इनिनेंट पोजिशन ऑन टेबल्स एट द फ्रंट ऑफ द स्टोर जल्दी से आंसर बताइए एमिनेंट इंपॉर्टेंट लीडिंग अनइंपॉर्टेंट क्या होगा इसका आंसर लेट्स सी आंसर आना शुरू हो गए हैं बिल्कुल स्पीड में आंसर करो सारे लोग इट्स प्रोमिनेंट आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का खेल है यहां पे डायरेक्शन में लिखा है ऑपोजिट प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट एमिनेंट का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है लीडिंग भी इसका सिनेम है इंपॉर्टेंट भी इसका सिनेम है

इतनी कम एनर्जी क्यों है भैया आराम क्यों कर रहे हो इतना भाई आंसर बताओ जल्दी जल्दी से बेनिडिक्शन होना चाहिए अच्छा ब्लेसिंग का ऑपोजिट लिखा है मेरे दोस्त बेनिडिक्शन में कौन सा रूट आ रहा है बेनी बेनी रूट जिसमें भी आएगा वो वर्ड हमेशा पॉजिटिव होगा फेवर पॉजिटिव वर्ड बून पॉजिटिव वर्ड बेनिडिक्शन पॉजिटिव वर्ड ओनली नेगेटिव वर्ड और आपको पता है यहाँ पे कर डेक्शन बिना देखे आंसर देने का मतलब अपने नंबर कटवा लेना अपना पैर फुल्हाड़ी पे दे मारना ठीक है समझ में आया आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए आंसर बताइए जल्दी जल्दी सब लोग सी

ठीक है एलिगरी सिंबल्स के थ्रू कोई स्टोरी बताना किसी मॉरल को बताना स्टोरी नहीं जो मॉरल देती है वो एलिगरी होती है ब्रांक का मतलब दिवालिया शेफ का मतलब क्या होता है सी एच एफ शेफ इसका मतलब होता है किसी चीज को मतलब लूट पाट करके एकदम बर्बाद कर देना दैट इज शेफ सी एच एफ शेफ ठीक है इनफ का सिनोनिम सिनोनिम सफिशियंट हो सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आंसर बताइए इसका बस रिमाइंडर है आपके लिए क्योंकि आज आखिरी दिन है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेढ़ घंटा बचा है फायदा उठाने का क्योंकि टेस्ट बुक पास पे आपको मिल रहा है दोस्तों पचास परसेंट की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और ये पहली बार हो रहा है टेक्स्ट बुक पास के अंदर पहली बार पचास परसेंट की एक्स्ट्रा वैलिडिटी सारे पास पे पचास परसेंट वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रही है एक साल के साथ छह महीने दो साल के साथ एक साल बिल्कुल फ्री मिल रहा है

नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो यह आपके ऊपर है कि कब आप पास लेके अपनी तैयारी पे तैयारी को टॉप नॉच लेवल पे ले जाते हो ठीक है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आंसर बताइए सब लोग देखिए कौन इसका आंसर बताता है लेट्स सी जल्दी से देखू जरा आत्मचिंतन करना अपने कर्मों को बैठ के सोचना कि मैंने पास्ट में क्या क्या किया है कभी कभी ऐसा होता होगा आपके साथ जब चांस एग्जाम में सर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपके साथ होता होगा बैठ के सोचते होंगे यार जो मैंने तैयारी करी है वो किस तरीके से करी है मैंने तो मॉक टेस्ट कभी सॉल्व ही नहीं किए हैं मॉक टेस्ट तो मैंने आखिरी में सॉल्व किया था ये कहलाता है आप चिंतन करना बैठकर सोचना कि क्या गलतियां आपने करी हैं ठीक है ना इसको हम क्या बोलते हैं रिट्रॉसपेक्शन ग्रेनरी होती है जहां पे ग्रेन रखे जाते हैं का मतलब क्या होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस बिलीफ को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है और होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना झुंड बना लेना दैट इज एच ओ ए आर डी एड आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर वन दैट इज रिट्रॉसपैक्शन ठीक आगे चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला सवाल देखो म, मिशेल ब्रिंग मिशेल ब्रिंग डिलीजेंट बींग डिलीजेंट ओनली वंस इन अ ब्लू मून हम कुछ नहीं हेल्प करेंगे आपको सिर्फ बताना है कि स्टेटमेंट में जो ईडीएम आ रहा है उस ईडीएम का मतलब क्या है बताओ यार गाइस 500 लोगों ने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है इतना क्यों भाई क्या किया जाए ये मॉक टेस्ट आप लोग को क्या लग रहा है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू मॉक टेस्ट अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो मुझे बता दीजिए कोई फायदा तो फिर है नहीं लेने का अगर लग रहा है आपको इंपॉर्टेंट है एनर्जेटिक हो आप तो so, सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड डू शो मी दैट यू आर एक्टिव एंड यू वॉन्ट दिस मॉक टेस्ट टू गेट यहां पे idiom है once in अ ब्लू मून जिसका मतलब होता है कभी कभी ईद का चांद रेयरली वेरी रेयरली ऑप्शन नंबर टू ठीक अगला क्वेश्चन देखिए इसमें बताओ पहले गेस करो क्या ईडियम है ठीक क्या ईडियम है गेस करो फिर उसका मीनिंग मुझे बताओ सब लोग देखो जरा इसका आंसर कौन दे पाता है क्लास रोज रात में बजे होती है, डेली बेसिस पे। कट कॉर्नर्स वाइल बडिंग देयर हाउस इवेंचुअली कोलैप्स कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है किसी चीज में पैसे बचाकर उस चीज को काम चलाउट तर तरीके से बुरी तरीके से कर देना इसको कट कॉर्नर्स बोला जाता है है ना जब कट घर बनाने में यू विल कट कॉर्नर्स तो घर तो फिर ढहेगा ही ना कोलैप्स होना ही था क्योंकि दे कट कॉर्नर्स इन बिल्डिंग देयर हाउस तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन डन बैडली ठीक अगला क्वेश्चन बताइए देखो जरा इसका आंसर कौन दे पाता है लेट्स सी सब लोग बताओ जल्दी जल्दी ऑन एवरीवन अब देखो जरा ध्यान से इसको यहाँ पे पूछी है आपसे किसकी स्पेलिंग साइकोलॉजी की स्पेलिंग साइकोलॉजी की स्पेलिंग में गाइस पी साइलेंट होता है ठीक है पी साइलेंट होता है साइकोलॉजी में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू पी एस वाई साइको पूरा लिख लो साइकोलॉजी बस पी साइलेंट होता है तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर टू इज क्लियरली द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा चलिए और बताइए हमें क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ अथर आप एक काम करिएगा जस्ट मेल ऑन सपोर्ट एट टेक्स्ट बुक डॉट कॉम आपको कोई भी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप सपोर्ट एप टेक्स बुक डॉट कॉम मेल कर सकते हो ठीक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी ठीक है चलिए आंसर बताइए जिसको भी टेक्स्ट बुक से कोई प्रॉब्लम हो कोई इश्यू हो वो इस पे मेल डाल सकता है ठीक है चलो बताओ टैरिफ आपसे पूछा गया है टैक्सेस को टेरिफ बोला जाता है आर आई डबल एफ होता है टैरिफ ठीक चलिए अगला सवाल है आपके सामने जल्दी जल्दी से आंसर बताओ देखिए जरा आंसर कौन देता है बता रहे हैं है, मैम आपने क्वेश्चन गलत बताया है टाइपिस्ट के ऊपर ज्यादा भरोसा है मैम के ऊपर कम भरोसा है अगर इतना ही हम पे भरोसा है तो हमारे साथ सेशन मत करो कोई फायदा नहीं होगा ठीक है चलिए आपसे बताओ जल्दी जल्दी डायनास्टी की स्पेलिंग पूछी है भाई, डायनास्टी की स्पेलिंग क्या होती है, डी वाई एन ए एस डायस्टिक सो सिंपल ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए आंसर इट्स पी क्यू आर एस बहुत से लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मैम कुछ क्वेश्चन पी क्यू आर एस के करवा दीजिए सो बताइए भाई इसका आंसर सारे लोग चलिए देखते हैं कौन का आंसर बता पाता है जल्दी से बताओ चलो आंसर आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे sp qr पहला s होना चाहिए अच्छा people have been eating asparagus called garden asparagus तो पे pq तो हो नहीं सकता पहला as a vegetable since r भी पहला नहीं हो सकता the vegetable is also हमको पहले ये बताइए द वेजिटेबल लिखा है यानी कि इस वेजिटेबल को पहले इंट्रोड्यूस तो करना चाहिए s पहला होगा ही नहीं और r भी पहला नहीं हो सकता एस पहला इसलिए नहीं होगा क्योंकि द वेजिटेबल लिखा है और ये वेजिटेबल कहीं इंट्रोड्यूस नहीं करी गई है पहला स्टेटमेंट पी है इसके अलावा कोई और पहला हो ही नहीं सकता ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर कितना सिंपल था ये वाला क्वेश्चन सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट ढूंढ कर हमारा आंसर निकल रहा था फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो क्यों भाई आगे चले अगले सवाल पे चलते हैं बताइए जरा इसका आंसर Let's see. चलो भाई आंसर दीजिए सब लोग जल्दी जल्दी से चलिए ध्यान से अब इसको देखो ध्यान से देखना सभी लोग फटाफट से आंसर इसके भी आ रहे हैं क्यू से यहां पे शुरू होगा आर यू गाइ श्योर चलो दैट इज क्लोजली वॉट इज क्लोजली क्या यहां पे क्लोजली रिलेट कर रहा है हमको नहीं पता तो पी पहला नहीं हो सकता ऑप्शन में पी है भी नहीं क्यू आलमंस आर कॉमनली ये देखो पहला आराम से लग रहा है क्योंकि इंट्रोड्यूस किया गया है बट दे हमको नहीं पता दे क्या है हमको नहीं पता दे क्या है ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर कोई शक कोई इसमें कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक अगला सवाल देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है बहुत ही इजी सा बताइए माय प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली बिगर देन योर कौन इसका आंसर देगा प्रॉब्लम टिवली बिगर योर्स बताइए जल्दी से एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई थी इंग्लिश में कभी भी डबल कंपेरेटिव और डबल सुपरलेटिव यूज होता ही नहीं है कंपेरेटिवली तो कहे ही कंपेरेटिव और बिगर भी कंपेरेटिव है इनमें से कुछ तो हटाना पड़ेगा और क्योंकि अंडरलाइन बिगर पे है तो हम बिगर को हटा के क्या लिख देंगे बिग लिख देंगे तो सही हो जाएगा कंपेरिटिवली बिग देस माई प्रॉब्लम ऑप्शन नंबर वन कंपेरेटिवली बिगर नहीं करना क्योंकि वो डबल सुपर डबल हो जाएगा ना ठीक है अगला सवाल बताइए इसमें कोई एरर है क्या इस देअर एनी एरोपीपल जल्दी से बताओ सब लोग बताओ भैया जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाओ डू यू थिंक इट इज गुड टू गिव एन एडवाइस टू दो आर नॉट सीरियस अबाउट लाइफ क्या होना चाहिए इसमें आंसर नो no एर होना चाहिए अच्छा बाकी लोग बताइए ए बी सी डी नहीं बताओ मुझे मुझे यहाँ पे करेक्शन चाहिए हाँ आपसे एक बात बताइएगा एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही बोला है काफी सारे लोगों ने यहाँ पे करेक्शन और एक्सप्लेनेशन भी सही दिया है ये जो वर्ड एडवाइस है ना ये एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के तीन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं आते प्यूरल फॉर्म में नहीं आते अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी प्लूरल वर्ब नहीं लगता और अनकाउंटेबल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स कभी भी इनके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होता है क्लियर है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन यहां से हटाना पड़ेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोई प्रॉब्लम कोई गलती यहां पर बताओ बताओ और सारे लोग यार सेशन को लाइक भी कर दीजिए एक बार जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार जल्दी से जाओ लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दो फटाफट से सब लोग ठीक है क्योंकि अभी यू गाइज अवन हंड्रेड प्लस और सिक्स हंड्रेड लोगों ने भी लाइक मार्क नहीं किया है अच्छा लग रहा है तो कर दीजिए इंटू हटा दें अच्छा मैंने आपको अभी कल वाली क्लास में बताया था एंटर इंटू फ्रेजल वर्ब होता है बताया था कि नहीं एंटर इंटू में कोई गलती नहीं है बिकॉज एंटर इंटू इज अ फ्रेजल वर्ब ठीक क्या लिखा है फुल वैक्सीनेटेड अरे यार वैक्सीनेटेड क्या है एडजेक्टिव है फुल भी एडजेक्टिव है कि कौन सा पाप यहां पर हो रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को वैक्सीनेटेड भी, फु, फुल भी तो पाप है क्या करना पड़ेगा इसको बनाना पड़ेगा बना दीजिए इसको फुली वाई लगा दो क्या हो जाएगा आंसर फुली वैक्सीनेटेड हो जाएगा भाई पूरा स्टेटमेंट पढ़ो तो जो लोग बिना पूरा स्टेटमेंट पढ़े आंसर दे रहे हो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो ठीक है चलू आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जरा मुझे इसका आंसर बताओ द बाइंडिंग वर्डिक डैश अ मेजर डिसीजन फॉर द बोर्ड कौन इसका आंसर बताएगा जल्दी से बताओ सब लोग चलिए, बाइंडिंग होना चाहिए होना चाहिए. बोर्ड क्या होना चाहिए यहां पेट शुड be मार्क्स एम ए आर के एस मार्क्स होना चाहिए बिल्कुल सही जवाब है बाइंडिंग वर्ड एक्ट यहां पर सिंगुलर है ना सिंगुलर है ना ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आंसर बताओ जरा इसका कम ऑन एवरी वन चलिए द पेंटिंग मेड बाय आतिफ इज डैश ब्यूटिफुल The painting made by Atif is dash beautiful. प्रणय तो बताइए कर पाए थे अगर मेरे क्लास में हो तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया है और अभी भी मैंने एक अभी अभी जस्ट राइट नाउ मैंने एक स्टूडेंट को रिप्लाई किया टेलीग्राम पे उस स्टूडेंट ने भी यही बोला था कि मैम क्या आपने एग्जामिनर को क्वेश्चन दिए थे क्या क्योंकि आपके नाइट वाले सेशन से सारे क्वेश्चन आए थे तो बताइए कितना इंपॉर्टेंट सेशन ये है और आप लोग को यार एकदम घर की मुर्गी दाल बराबर बना के रखा हुआ है थोड़ी इंपॉर्टेंस तो यार इतना बढ़िया सेशन हम आपके लिए लेते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी से मिलते हैं सो so ब्यूटिफुल नहीं होगा वेरी ब्यूटिफुल होगा पॉजिटिव सेंस में वेरी लगाया जाता है ठीक क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सफिशिय बताइए आंसर चलिए मेरी की बात हो रही है चलो सफिशिएंट का क्या होगा डायरेक्शन जरूर देखना सारे लोग डायरेक्शन देख कर फुल लेस इंटीग्रिटी इनफ सबका मीनिंग देखो फुल का मतलब भरा हुआ लेस का मतलब कम इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है किसी की इंटीग्रिटी क्या होती है उसका ईमानदारी होने की ईमानदार होने की जो क्वालिटी है दैट इज इंटीग्रिटी और इनफ का मतलब है इनफ का मतलब ही सफिशियंट है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर द द टाइम, राइट आंसर जितनी जरूरत है उतना उसको इनफ भी बोला जाता है उसको सफिशियंट भी बोला जाता है ठीक क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए हमें आंसर द क्लू सी एल यू ई क्लू आंसर आना शुरू हो गए हैं अपने दिमाग से आंसर देना जल्दबाजी में और भेड़चाल के चक्कर में कहीं आगे नाली है हमेशा हर क्वेश्चन के आगे नाली होती है याद रखना जैसे ही आपके अंदर भेड़ घुसा और आप बाकी भेड़ों के पीछे भागे डुप ठीक ऊपर सुनाने पूछा है तो हम मान लेते हैं हिंट सही जवाब है क्योंकि क्लू का मतलब ही होता है हिंट है ना तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू शॉक का मतलब झटका ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है किसी को सम्मान देना ठीक फिर का मतलब संदिग्ध हो गया ना चलो अगला सवाल एलियन बताइए इस सेशन के जस्ट बाद मतलब दस पंद्रह दस मिनट बाद सवा ग्यारह पे यानी इलेवन फिफ्टीन पे एक सरप्राइज में आपके पास लेकर आ रही हूं तो उस इलेवन फिफ्टीन वाले सेशन में जरूर आइएगा इस क्लास के जस्ट बाद इलेवन फिफ्टीन पे यहीं पे होगा एक सेशन ठीक तो रिमाइंडर चाहो तो सेव कर लो जाके क्योंकि जस्ट इस क्लास के बाद ही है ठीक है ना चलिए एलियन कौन होता है बिल्कुल सही जवाब आया है चलो आपने डायरेक्शन पढ़ा हम सो ग्लैड डायरेक्शन पढ़ा तो वेरी वेरी गुड एलियन होता है जो कहीं किसी प्लेस पर बिल्कुल हो, नेटिव हो. तो होता है जो किसी प्लेस पे ही बिलोंग करता है किसी प्लेस का ओरिजिनल वासी इम्बाक का मतलब होता है कहीं जहाज वगैरह पे चढ़ना प्लेजर का मतलब आनंद ठीक स्पाइट का मतलब क्या होता है किसी को अनॉय करना किसी को हर्ट करना दट इज ठीक नेटिव इज द राइट आंसर अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने द वर्ड इज कॉम्पल्सरी ऑप्शनल डिसेंट एनिमी या फिर अनसर्टेन आंसर बताओ आंसर बताइए हमें सारे लोग फटाफट से लेट्स सी ऑप्शनल डिसेंट एनिमी या फिर अनसर्टेन क्या होना चाहिए कंपल्सरी का मतलब है जो चीज होती होती अनिवार्य है ऑप्शनल का मतलब जो आपको मन हो तो करो मन हो तो ना करो आपके पास ऑप्शन होता है कंपल्सरी क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन याद है एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे <laughs> चलो लग रहा है आज पप्पू जी भी आए हैं हमारी क्लास में आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शनल डिसेंट का मतलब होता है असहमति किसी के खिलाफ जाना एनिमी दुश्मन और अनसर्टेन का मतलब जो चीज फिक्स्ड नहीं है वो चीज अनसर्टेन होती है ठीक क्लियर चलो आगे। यार एक हजार मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे लगा है, पता है आप लोग नहीं पहुंच, तो पहुंच जाइए तो कल भी आप लोग 1K पहुंच गए थे लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि आप लोग एट हंड्रेड भी नहीं पहुंच पाओगे यार क्या कर रहे हो ऐसे तो आप लोग मेरा इंटरेस्ट कम करवा दो सेशन लेने में चलिए व्हाइट एलिफेंट क्या होता है ये व्हाइट एलिफेंट जल्दी से बताओ सब लोग ये वही ईडियम्स है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे नहीं यकीन है तो सी एच एस एल देकर आए हो तो पता होगा नहीं हुआ है सीएचएसएल तो पूछिए जो सी एच एस एल देकर आए हैं ठीक है मेरे पास अगर पांच घड़ियां हैं मैं डेढ़ लाख की एक और घड़ी खरीद लू वॉच रेस्ट वॉच तो वो क्या होगी मेरे लिए एक वाइट एलिफेंट पहली चीज तो महंगी और दूसरी चीज मुझे उसका कोई यूज नहीं है अब पांच घड़ियां ऑलरेडी हैं तो छठी घड़ी लेने की क्या जरूरत है भाई तो वो मेरे लिए एक वाइट एलिफेंट होगी ठीक है तो एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज महंगा लेकिन कोई काम का नहीं ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है चले हमको तो वाइट एलिफेंट हमारे यूपी में लखनऊ में जो भी आप में से लखनऊ का होगा उसको तो पता ही होगा कैसे लखनऊ वाले लोग कैसे याद रख सकते हैं लखनऊ में जितने भी लोग रहते हैं डेफिनेटली अब भाई कोई सपोर्टर ना निकल आए अम्बेडकर पार्क देखा होगा अगर आपने अम्बेडकर पार्क में गाइस बड़े बड़े हाथी लगे हुए हैं हमारी अः बहन जी ने लगवाए थे बड़े बड़े हाथी लगे हैं और वो शायद किसी बाहर की कंट्री से आई डोंट डोंबर पेरिस वगैरह से आए थे करोड़ों का हाथी थे वो पता नहीं कितने लाख का एक हाथी था वाइट एलिफेंट महंगा किसी काम का नहीं बड़े बड़े हाथी पूरे पार्क में लगवा रखे हैं मतलब किसी काम का नहीं है वो किसी तुम गरीबों के लिए घर बनवा देते कुछ भी करते आप बड़े बड़े हाथी वो क्या है वाइट एलिफेंट है कभी नहीं भूलेगा अगर जो भी लखनऊ का है या फिर याद कर लीजिए ऐसे ही ठीक चलो स्टैंड ऑन वंस ओन लेग क्या होता है Stand on one's own leg. बताइए जल्दी जल्दी हम्म hmm? स्टैंड अपने पैरों पे खड़े होना अपने पैरों पे खड़े होना यही तो होता है इंडिपेंडेंट हो जाना अपने पैरों पे खड़े हो जाना इंडिपेंडेंट हो जाना ठीक आंसर क्या हो गया ऑप्शन अगला सवाल देखिए होती है सीरियस डेंजरस फैटल या फिर क्रिटिक आंसर बताओ जल्दी से बहुत अच्छी स्पीड में आंसर आ रहे हैं यही स्पीड रहनी चाहिए आप में से जो मेरे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हो ना उनके लिए मैं कमेंट सेक्शन में देखो लिंक डाल रही हूं मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है आप लोग सब लोग इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप मेरी रेगुलर फ्री क्लासेस यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होती है ठीक है क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन द ग्रुप जो चीज जानलेवा होती है उसको इंग्लिश में हम फैटल बोलते हैं जानलेवा ठीक सीरियस इज गंभीर डेंजरस इस खतरनाक क्रिटिक इस आलोचक क्या हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन ठीक क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाता है इकोलॉजी एंटोमोलॉजी बायोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी हु विल गिव मी द राइट आंसर हियर सब लोग बताओ जल्दी जल्दी से कौन इसका राइट आंसर बताएगा सब लोग जल्दी जल्दी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाता है एंटोमोलॉजी इकोलॉजी क्या होती है इकोलॉजी रिलेशनशिप बिटवीन एयर लैंड ह्यूमन से इकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है बायोलॉजी के, और के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इम्ब्रेलॉजी के अंदर गाइस के बारे में पढ़ा जाता है है ठीक इम्ब्रे क्या होते हैं जब एनिमल एनिमल का जो डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन और ऑफ एग और एनिमल जब पैदा होता है और फर्टिलाइजेशन होता है उसके बीच में उसको इम्ब्रे बोला जाता है इम्ब्रे की जो स्टडी होती है वो इम्ब्रेलॉजी के अंदर आती है ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला सवाल है आपके सामने स्पेलिंग बताइए मुझे फटाफट से सारे लोग क्या होगी यहां पे कॉलोकियल की स्पेलिंग जल्दी जल्दी से मुझे बताओ सारे लोग फटाफट से लेट सी इरेगुलर की इंटरमीट इंटरमिटेंट का मतलब होता है जो चीज इरेगुलर इंटरवल्स पे हो वो चीज इंटरमीडियट कहलाती है निधि याद करिए मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग के एग्जाम्पल से आप लोग को याद करवाया था इंटरमीडियंट का मीनिंग ठीक है चलो योगेश कुमार बहुत अच्छा लगा थैंक यू थैंक्स लॉड फॉर द ब्लेसिंग्स फॉर गुड विशेस एंड कीप लर्निंग कीप स्टडिंग ऑल द बेस्ट चलो कॉलोकियल की स्पेलिंग बताइए क्या होती है कॉलोकियल का अच्छा मतलब क्या होता है ऐसी लैंग्वेज जो हम बिल्कुल बोलचाल में बोलते हैं है ना फ्रेंड्स आप जो एकदम बोलचाल में भाषा बोलते हो दैट इज कॉलोकियल और इसकी स्पेलिंग क्या होती है सी ओ एल एल ओ कॉलो कॉलो क्यू यू आई एल की एल कॉलो की ऑप्शन नंबर वन ठीक है अगला सवाल जरा देखो मीगर की स्पेलिंग क्या होती है मीगर का मतलब होता है गाइस कमिंग जल्दी से आंसर बताओ व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ मीगर बताइए मीग का मतलब है कमी ए जी आर ई यही तो होता है मीग एम ई ए जी आर ई कमी अगला सवाल इज अ पी क्यू आर एस अब पी क्यू आर एस में आप लोग गलतियां ना करो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व बताइए जल्दी जल्दी देखू कौन इसका आंसर दे पाएगा भाई एक बार सारे लोग सेशन को लाइक भी कर दो 800 तो पहुंच जाओ 800 900 तो पहुंच जाइए नॉट 1000 चलो शुरुआत किससे हो रही है ये पहचानिए मुंबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शुरुआत यहां से हो रही है मुंबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एट क्यूफ पैरेट इज अकाई स्क्रेपर बिल्ट इन नाइनटीन शुरुआत तो सी से हो रही है अनडाउेडली सी के बाद इसके लिए देखो इट यूज हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सी के बाद ए आएगा इसको हटा दो अब ए के बाद क्या आना चाहिए ऑल्सो uh, नहीं आएगा क्योंकि अभी तो इसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है देखो यहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो सी ए के बाद पहले डी आएगा फिर भी आएगा सी ए के बाद पहले डी फिर बी क्योंकि बी में जो चीज लिखी हुई है एब्रीवियशन लिखा है उसको इंट्रोड्यूस डी में किया गया है ठीक है तो सी ए डी बी कुछ लोग यहाँ पे बी पहले बता रहे हैं यार कॉमन सेंस लगाओ बी पहले यहां पर नहीं होगा ठीक है चलिए अगला सवाल है आपके सामने आंसर बताओ एक बहुत ही गजब का क्लो ये है आपका पी क्यू आर एस गाइज एक बार फिर से बता रही हूं अभी ग्यारह बजे आपका सेशन खत्म हो रहा है सवा ग्यारह पे एक स्पेशल क्लास है आपके लिए एक सरप्राइज आपको मैं बताने वाली हूँ सवा ग्यारह पे यहाँ पे जरूर आना है या तो रुके रहिए ठीक है ना बस फोन अपने पास रखिएगा इस सेशन को खत्म होते ही वो वाला सेशन आपका शुरू हो जाएगा एट इलेवन फिफ्टीन शाप ठीक बस इस वाले सेशन में नहीं दूसरी विंडो में आपको आना है फाइव वो मिनट्स हार्डली पांच मिनट आपकी क्लास चलेगी ठीक है ना मुश्किल से दो तीन क्वेश्चन बचे हैं चलो बताइए बीसीएडी अच्छा बाकी लोग बताओ शुरुआत हो रही है देखो बी से इतना तो श्योर हो ठीक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी की शुरुआत हो रही है D से B से क्योंकि उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया है बी के बाद आ क्या रहा है यहां पे इसको क्या एजेंसी माना गया है यहां पे जो एजेंसी बोला गया है इसी को बोला गया है बी के बाद मैंडेटरी पेयर बन रहा है डी का ठीक तो बी डी हो जाएगा ठीक है BD हो जाएगा बी डी ए सी ऑप्शन नंबर टू है अगला क्वेश्चन जरा जल्दी से देखिए सारे लोग टॉम इज वाइजर हम्बल कौन इसका आंसर देगा इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों सब लोग मुझे आंसर दो जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग चलो जब भी एक ही इंसान की सेम पर्सन की मल्टीपल क्वालिटीज को आप कंपेयर करते हो तो हमेशा कंपेरिटिव कंपैरिजन मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है तो यहाँ पे वाइजर की जगह पर क्या आना चाहिए मोर वाइज आना चाहिए एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि टॉम की ही दो क्वालिटीज के बीच में हो रहा है ना कंपेरिजन इसलिए यहाँ पे मोर वाइजर नहीं मोर वाइज आएगा ऑप्शन नंबर थ्री आएगा क्योंकि ये रूल है आपका इंग्लिश ग्रामर में ठीक एक ही इंसान की दो क्वालिटीज की इंटेलिजेंट ज्यादा है हम्बल कम है तो मोर प्लस कंपेरेटिव मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री आती है ER वाले कंपेरेटिव की जगह ठीक है चलिए अगला सवाल एंड प्रोबेबली आज का आखिरी सवाल आपका आज का आखिरी सवाल है ध्यान से देखिएगा बिल्कुल सब लोग जल्दी जल्दी से आखिरी सवाल है दोस्तों डू यू स्वेर टू टेलिंग द ट्रूथ डू यू स्वेर टू टेलिंग द ट्रूथ जल्दी फट से आंसर दो सारे लोग फटाफट से डू यू स्वेर टू टेलिंग द ट्रूथ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू यू स्वेर टू टेल द ट्रूथ ऑप्शन नंबर वन सबको मैंने रटा रखा है कि वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा किसके बाद हमेशा टू के बाद सो इट क्लियर पीपल चला जाए असाइनमेंट क्वेश्चन लेकर ही जाना और सवा ग्यारह पे फिर से यहां पर आना है आप लोगों को पानी वानी पी के सवा ग्यारह पे आ जाओ छोटा सा पांच मिनट का सेशन है हार्डली पांच मिनट में मुझे आपको एक छोटा सा सरप्राइज बताना है वो मैं आपको बता दूंगी ठीक चलो तो असाइनमेंट क्वेश्चन आज का ये है असाइनमेंट क्वेश्चन का आंसर आपको सेशन खत्म होने के बाद देना होता है ठीक है ना सेशन खत्म होने के बाद आप असाइनमेंट क्वेश्चन दोगे कमेंट सेक्शन में जिससे कि मैं आपके नाम पढ़ यहां अभी पाऊंगे लाइव में तो मैं आपके नाम नहीं पढ़ पाऊंगी ठीक है आंसर आंसर इज ऑप्शन नंबर नहीं 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 नहीं, आंसर नहीं ले लो बस चलो आखिरी में मैं एक बार आप लोग को याद दिला दूंगा इस क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है पहले तो टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है आपको क्या करना है सिंपली जाके टाइप करना है ठीक है ना

क्लास मेरी सिर्फ एमडब्ल्यू एफ होगी मंडे क्लास होगी एक बजे फिर एक फ्री क्लासेस चलती हैं इंग्लिश की तो सबके लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप सबके पीडीएफ यहीं पर मिल जाएंगे ठीक है तो बाय बाय गाइस टेक केयर मिलते हैं आप लोगों से दस मिनट बाद चिल्ड्रेन बाय गाइस गुड नाइट टेक केयर